हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा लॉज ऑफ मोशन महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9 का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एक आधा एग्जांपल करेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन, राइट? तो इसमें दो वर्ड्स है, एक तो यूनिफॉर्म है जिसका मतलब हम पढ़ चुके हैं कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब कुछ तो कॉन्स्टेंट है, और सर्क्युलर है अलॉन्ग द सर्कल। सर्कल का डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? एक फिक्स पॉइंट एक ले लो जिसको सेंटर बोलेंगे हम, राइट? और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट, राइट? तो सर्कल ये होता है, सर्कल ये सर्कल नहीं है, ये भी सर्कल नहीं है, ये सर्कल है, ये कलेक्शन ऑफ जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स है, ये सर्कल है। तो अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है ऐसा, ये ऐसा इस अलोंग दिस ओनली अलॉन्ग ऐसा सर्क्यूलर, राइट? तो उसको बोलेंगे हम सर्क्यूलर मोशन। यूनिफॉर्म यानी इस केस में हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी नहीं, स्पीड। ठीक है, स्पीड एक सेम स्पीड से जा रहे हैं, एक सेम स्पीड से जा रहे हैं। तो कांस्टेंट स्पीड से अगर मोशन हो रही है और एक सर्कल में हो रही है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, राइट? वेलोसिटी क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वेलोसिटी के को डायरेक्शन होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो रहेगी वो ऐसे डायरेक्शन में रहेगी, राइट? इस पॉइंट पे ऐसे डायरेक्शन में रहेगी, राइट? तो वेलोसिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगा, वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन बदलते जाएगा। तो वेलोसिटी सेम कैसे हुआ? नहीं होगा ना। अगर वेलोसिटी सेम है तो अगर मैं डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स लूं तो मेरी वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए? सेम अगर है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो आना चाहिए। यहां पे आप चेंज इन वेलोसिटी करके देखो, जीरो नहीं आएगा, डबल होगा, राइट? डायरेक्शन क्योंकि उल्टा है, करेक्ट? ठीक है, वो अभी हम कोई और इसमें जा रहे उधर नहीं जाते, ठीक है? बट कॉन्स्टेंट स्पीड, नॉट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अभी मैंने दिखाया कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है, अलग अलग वेलोसिटी है, इवन चेंज इन वेलोसिटी अलग कुछ तो वैल्यू आएगा। इसका मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी को एक वैल्यू आएगा, कोई भी दो पॉइंट ले लो, मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को कुछ एक वैल्यू रहेगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, भले ही उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज होता है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन वाली होती है, राइट? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? एक सर्कल में करता है मोशन और जिसकी स्पीड कांस्टेंट है उस पार्टिकल की, राइट? और उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। स्पीड कितना है? स्पीड निकालना है तो ठीक है, देखो एक सर्कल अगर पूरा किया, ये पार्टिकल यहां से निकला और ये ऐसा जाते 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 ये वापस यहां तक पहुंचा है, यानी उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 पाई आर, अगर ये रेडियस उसकी आर है तो। और टाइम कितना लगा? एक सर्कल का एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी। तो बस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सर्कमफेरेंस एंड टाइम पीरियड इज टाइम, तो 2 पाई आर बाई टी, है कि नहीं, है ना? अभी थोड़ा सा इसको और समझते हैं, ये सर्कुलर मोशन होती कैसी है, राइट? देखो ये पार्टिकल यहां पे है, ये पार्टिकल अपना बोलता है कि चलो भाई मैं स्ट्रेट जाता हूं, कोई भी पॉइंट पे, राइट? उसको स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा। हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कैरी करने की कोशिश करेगा जब तक कि उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता है कोई। तो इसको कोई तो अपने तरफ खींचता है, उसकी वजह से वो उधर ना जाते हुए इधर जाता है, राइट? फिर इधर कोई तो उसको अपने तरफ खींचता है, इसकी वजह से इधर ना जाते हुए इधर जाता है, राइट? अब आप एक देख ले ना, आप एक काम करो, तो सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन चेंज कराते हैं हम, उसको जाना होता है सीधा लेकिन हम अंदर के तरफ खींचते जाते हैं और उसको बोलते हैं, उसको फोर्स करते हैं एक सर्कल में आने के लिए, यानी एक पर्टिकुलर फोर्स रहेगा। ज्यादा लगाओगे तो रेडियस कम हो जाएगी, अंदर घुस जाएगा वो, कम लगाओगे तो बाहर, राइट? तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स उसको हर पॉइंट पे लगानी है ताकि अंदर खींचते जाए, राइट? उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एक
डोरी ले लो आप, डोरी को पत्थर बांधो, जोर से ऐसा ऐसा घुमाओ, क्या आप बिना घुमाए बिना हाथ की ताकत लगाए कर पाओगे सर्कुलर मोशन? नहीं, राइट। अर्थ चक्कर काटते हैं सन के, अगर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, सन उसको अपनी तरफ नहीं खींचता, तो क्या वो सर्कल में जा पाता? नहीं, राइट। ऐसा ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से और देखते हैं, ज्यादा डिटेल में है नहीं एक्चुअली, सर्कुलर मोशन बाद में आप अच्छे डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे काफी बेसिक है। मैन इज रनिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 100 मीटर, ही कंप्लीट्स 5.5 राउंड्स इन 1 आवर विद कांस्टेंट स्पीड, व्हाट फॉर दिस मोशन, व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी, राइट। तो 5.5 राउंड कंप्लीट किया मींस उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पूरे 5 राउंड, तो 2 पाई आर, ये 5 राउंड का डिस्टेंस हो गया, प्लस आधे राउंड का डिस्टेंस, ये आधे राउंड का डिस्टेंस, एंड 10 पाई आर प्लस 1 पाई आर, 11 पाई आर, इतना डिस्टेंस कवर किया, तो स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, तो 11 पाई आर अगर मेरा डिस्टेंस होता है, आर कितना है 100 मीटर, और उसने टाइम कितना लिया, 1 घंटा, राइट। चलो मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं, है ना, ये ऊपर का मीटर में हो गया, और सेकंड अगर करना है तो 1 आवर का 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इतने सेकंड हो जाएंगे, है ना, तो इतना आ जाएगा आंसर, ये दो दो कट गए, तो 11 पाई बाय 36 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा उसका स्पीड। वेलोसिटी कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, राइट। 5.5 सर्कल, चलो यहां से शुरू किया, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3, 4, 5, 5.5 इधर पहुंच गया ये, एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 2 times रेडियस, राइट। तो वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी जो होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो वेलोसिटी आएगी, डिस्प्लेसमेंट मेरा 2 आर यानी 200 मीटर, और टाइम उसको लगा 3600, 2/36 मीटर पर सेकंड, ये होगी वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये ऐसा रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं पर रुक जाते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।